हेलो फ्रेंड्स, होम फूड्स बाय चंचल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे डबल लेयर वाली बर्फ़ी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 2 कटोरी मिल्क पाउडर ले लिया है और मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने दूध ले लिया है। ये नॉर्मल दूध है रूम टेम्परेचर पे, इसे मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया था। और मैंने आधी कटोरी पिसी हुई शक्कर ले ली है। शक्कर आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हम इसको चॉकलेट की लेयर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर ले लिया है। तो इसी सब चीज़ सभी चीज़ों को हमने एक ही कटोरी से नापा है। तो चलिए हम अपनी बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम सबसे पहले 2 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें हम दूध डालेंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डालेंगे, जिससे इसमें बिल्कुल गुठलियाँ ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। अब इसमें हम अपनी पिसी हुई शक्कर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा जो मिक्सचर है उसे पैन छोड़ने तक हम अच्छे से पका लेंगे, तो इसमें शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगी। हमारा देख ही सकते हैं आप, पैन अच्छे से छोड़ दिया है हमारे मिक्सचर ने। अब इसे हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। इसे हम आधा एक प्लेट पे निकाल लेंगे, जिसमें हमें इसे सेट करना है। अगर आप चॉकलेट की लेयर थोड़ी कम मोटी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कोको पाउडर थोड़े कम इसमें मिक्स करिएगा। अब ये जो मिक्सचर बचा है इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर मिक्स करने के बाद एक बार आप मिक्सचर को चख के देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कम मीठा है तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कोको पाउडर होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सचर रेडी है। तो चलिए हम अपनी बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बर्फी को प्लेट में सेट करूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के सेट कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट प्लेट में सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसे मैं अच्छे से फैला लूँगी। यहाँ पे मैंने इसकी 1 लेयर बना ली है। अब दूसरी लेयर पे हम जो हमने चॉकलेट का मिक्सचर तैयार किया था उसे भी हम अच्छे से फैला लेंगे। इसे हमने सेट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसे हम फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। हमारी चॉकलेट बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। चलिए अब इसके हम पीस कट कर लेते हैं। आपको इसमें कितने बड़े पीस पसंद है आप उसी हिसाब से कट करिएगा। यहाँ पे मैंने चक्कू पे घी लगा लिया है। हमने बर्फी को पीस में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएगा आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल होम फूड्स बाय चंचल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।